तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज IRV इंफ्रा के ऊपर एक बोर्ड मीटिंग थी, कंपनी का एक बोर्ड मीटिंग था। अब बोर्ड मीटिंग में कंपनी को फैसले लेने थे स्टॉक स्प्लिट के ऊपर। जी हाँ, तो कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के ऊपर फैसले ले लिए हैं। कंपनी ने 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है। जी, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे अच्छे से तो यहाँ पे कंपनी ने लिखा है कि कंपनी का अगर फेस वैल्यू देखा जाए तो फेस वैल्यू 10 का अभी चल रहा है, जिसको कंपनी 1 के रूप में तोड़ने जा रही है। यानी कि हर एक शेयर पे आपको 10 शेयर कंपनी देने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक स्प्लिट के थ्रू कंपनी हर एक शेयर को 10 शेयर में डिवाइड करने जा रही है। तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि हाँ, चलिए आप डिवाइड करिए, तो ये कब अगर बाय किया जाए तो इसका बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, अभी कंपनी ने ऐसा कुछ रिकॉर्ड डेट तो अभी बताया नहीं है। कंपनी ने यहाँ पे बताया कि जो रिकॉर्ड डेट होगा वो अगले कुछ नोटिस में बता दिया जाएगा, जब कंपनी का Q3 का जब रिजल्ट आएगा आने वाले कुछ समय में। हो सकता है कि 2-3 हफ्ते के अंदर Q3 का जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर कंपनी ये बताएगी कि स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट क्या होगा, वो कंपनी बताएगी। तो अभी कंपनी ने रिकॉर्ड डेट नहीं बताया है, तो ये मत समझिएगा कि आज आपको बाय करना है या कल बाय करना है, अभी नहीं बाय करना है। हाँ, शेयर 52 वीक हाई के आसपास पे चल रहा है, तो यहाँ से एक हो सकता है कि शेयर के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी शेयर पहले से ही पंप हो चुका है, तो हो सकता है थोड़ा सा डंप हो सकता है, तो उसके लिए भी तैयार है। हाँ, स्टॉक स्प्लिट होने वाली है, बहुत ही क्वालिटी शेयर है, तो मेरे हिसाब से इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। रिकॉर्ड डेट आए तो उससे पहले बाय कीजिएगा, सस्ते दामों पर मिले, थोड़े से सस्ते दामों पर मिले तो बाय कीजिएगा और इसके अंदर बने रहिएगा, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट के बाद भी ये शेयर बहुत तेजी से ऊपर की ओर भागेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।